अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की है आपकी वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए, अगर उसके रिस्पेक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो, या उसमें अगर कोई चीज बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मुझे मेल आई हुई थी, मैं दोबारा से ना थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप किसी भी बच्चों ऐप से बना सकते हो, लेकिन उसमें आपकी मतलब लाइव आपकी फेस और आपका जो स्लाइड्स होंगी, जैसे जूम पे आप एक देते हो ना प्रेजेंटेशन, वैसे लेकिन वीडियो के साथ, ताकि मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस भी आप लोगों के नोट हो सकें और आपका जो पीपीटीज के अंदर कॉन्टेंट है वो भी बेसिकली आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। वीडियो प्रेजेंटेशन होगी 5 to 6 मिनट्स की सिर्फ होगी, 10 स्लाइड्स होंगी टोटल, और इसके अलावा बच्चों उसमें जो कंटेंट है, मतलब जो असेसमेंट है बेसिकली, वो 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए थे, क्वेश्चंस, बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट हर जो पॉइंट है ना उसकी एक स्लाइड है, ठीक है। लाइक आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जैसे मैंने नेल फाइंडिंग्स ऑन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो आप बेशक उसकी पिक्चर्स ऐड कर दो एक स्लाइड में, बट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तो आपने एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों, मतलब एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है। लाइक अगर फिंगर नेल्स फाइंडिंग के अंदर क्लबिंग है तो क्लबिंग क्या होती है, एक लाइन में उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने साइनोसिस एंड इट्स टाइप्स का पूछा है तो आप लोगों ने उसको भी एक स्लाइड के अंदर डिफाइन करना है। तो ऑलमोस्ट 10 से 11 स्लाइड सिर्फ होनी चाहिए, बट स्लाइड में बेशक आप लोग पिक्चर्स ऐड कर दें, कुछ रिटन कंटेंट ऐड कर दें, लेकिन एक्सप्लेन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन आप लोग करोगे, लाइक आप लोग बताओगे कि ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, या ये क्या टर्म आप डिफाइन कर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काउंट होगी और आपका जो स्लाइड का कॉन्टेंट होगा वो भी, दोनों चीजें काउंट करके आपकी 20% असेसमेंट इस तरह मैं फाइनल्स के लिए भेजू, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इजी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऑलमोस्ट भी अगर आप 30 to 40 मिनट्स भी एक दिन लगाते हैं तो आपका ये सारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रिपेयर करोगे, इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे ना, एक वीडियो प्रेजेंटेशन, तो आप लोग एटलीस्ट मेरी स्लाइड्स ओपन करोगे, कॉन्टेंट अगर वहां से भी उठाना है या उस कॉपी पेस्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको चीजें याद रहेंगी, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके चांसेस हैं कि ये वाइवा में आपसे पूछे जा सकते, ठीक है। अगर मैं वाइवा लूंगी तो ये क्वेश्चंस मैं किसी 2-3 स्टूडेंट्स के बाद तो ये रिपीट होंगे, इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये पेट क्वेश्चंस हैं, तो ये सब बच्चों को आना चाहिए। जैसे मैंने नेम ओनली वाइटल साइंस, सिर्फ वाइटल साइंस के नेम्स मेंशन कर दिए, लाइक पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट, जस्ट उनके नाम मेंशन करने, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, ताकि वाइवा में अगर आपसे कोई टीचर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप टेम्परेचर की क्या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स देखते हो, या टेम्परेचर को कैसे मैयर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर किस किस बॉडी एरिया पे आप मैयर कर सकते हो, फिर टेम्परेचर की फर्दर इंटरप्रिटेशन क्या है। लाइक मैंने कुछ बताई थी उस दिन, कॉटिडन, टर्शियन फीवर, उसकी कुछ टाइप्स थी। इसी तरह अगर कोई पूछ लेते हैं कि पल्स रेट के क्या फीचर्स जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखे जा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों कि उसमें रेट और रिदम दो चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आपने वो सारा कुछ बताना है, ठीक है। इसी तरह आज हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, तो ब्लड प्रेशर को कोई टीचर ये भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कि वो परफॉर्म करा दे ब्लड प्रेशर, तो मैं इस लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ब्लड प्रेशर को मेजर करने का प्रॉपर मेथड है। वैसे तो ऑलमोस्ट काफी मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का प्रॉपर मेथड, पेशेंट की पोजीशन, कैसे कफ को अटैच करना है, आर्म की क्या पोजीशन होनी है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेथ को आपने कहाँ प्लेस करना है, ब्रेकियल आर्टरी के जस्ट मीडियली आपने प्लेस करना है, फिर किस तरह आपने इन्फ्लेट करना है और किस तरह आपने डीफ्लेट करना है, आपने रीडिंग्स कैसे लेनी है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑन अ पेशेंट, इफ समवन ड्यूरिंग द वाइवा
वो अगर आपसे कहे कि हमें परफॉर्म करके दिखाएं तो आपको ये चीज आनी चाहिए। वहां पे कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हमें पेशेंट पे नहीं करवाया गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रैक्टिस आप लोग किसी भी नॉर्मल मतलब पर्सन पे कर सकते हो, ठीक है। उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ब्लड प्रेशर की, पल्स रेट लेने की, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट काउंट करने की। नॉर्मल किसी पर्सन का रिस्पायरेटरी रेट काउंट कर लें। मैंने जैसे बताया था कि हम रिस्पायरेटरी रेट पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स काउंट कर लेते हैं जब वो कर रहे होते हैं, क्योंकि जस्ट हमने चेस्ट की अपवर्ड एंड डाउन मूवमेंट देखनी होती है, ठीक है। ये सारे वाइटल साइंस कवर हो जाते हैं। इसके अलावा नेल फाइंडिंग्स, फिंगर फाइंडिंग्स, और मैंने जीसीएस स्केल का पूछा हुआ है, तो जीसीएस स्केल को आप एक पिक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो उसके तीनों पॉइंट्स को। और एक्स्ट्रा जो मैंने चीजें बताई थी कि मैक्सिमम 15 है या इट कैन नेवर बी जीरो, ये आप मतलब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। अगर नहीं भी स्लाइड्स में मेंशन करना तो एटलीस्ट उसको बोलना जरूरी है। जी बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम वो जीपी प्रोटोकॉल्स में हमने स्किन मैनिफेस्टेशंस बतानी है, मुझे लास्ट स्लाइड में तीन एक्सप्लेन किए हैं। नहीं बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसके बारे में मैं सबको क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोटोकॉल। बच्चों प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि व्हेन यू बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपने जब पेशेंट को अप्रोच किया है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर करनी है। लाइक मैंने आपको बताया था दो तीन पॉइंट्स कि हम हमेशा जब पेशेंट से फर्स्ट ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए जाते हैं, या इवन जब हम पेशेंट के पास हिस्ट्री लेने के लिए भी जाते हैं ना, तो एक प्रोटोकॉल होता है। लाइक आपने हमेशा पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। पेशेंट को अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाना है कि आई एम योर डॉक्टर एंड आई, जो भी आपने करना है। लाइक आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो आपने उसे बताना है कि मैं आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगा हूँ, आई एम डूइंग योर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और आई एम टेकिंग योर हिस्ट्री। और आपने फिर उसे कॉन्सेंट लेना है। नंबर थर्ड पे कॉन्सेंट आता है, पेशेंट से आपने परमिशन लेनी है। ये बहुत एक, अगर आप परमिशन की लाइन ड्यूरिंग वाइवा अगर एग्जामिनर के सामने बोल दो ना, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट ने हर एक चीज को फॉलो किया है, और ये एथिक्स है बेसिकली पेशेंट को अप्रोच करने की। तो आपने उससे ये पूछना है कि विल यू अलाउ मी टू डू योर एग्जामिनेशन, इंग्लिश में उसे क्लाइंट पूछनी है, ठीक है। या आपने उसको उर्दू में पूछ सकते हैं कि मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं। जस्ट एक लाइन कॉन्सेंट, ठीक है। इसी तरह मैंने ये आपको बताया था कि जब आपने ये सारा कुछ कर दिया तो अब आपने प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है जनरल, ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। उसमें स्किन मैनिफेस्टेशन नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने का प्रोटोकॉल आए। इसी तरह बच्चों इसमें एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये आ सकती है कि जब आपने पेशेंट के किसी भी पार्ट को एक्सपोज करना है, और अगर वो पेशेंट फीमेल है, ठीक है, तो आपकी एथिक्स है कि आप उससे पहले परमिशन लें, ठीक है, उसको किसी चीज के साथ उसके बाकी बॉडी एरिया को कवर करें, और जिस पार्ट को आपने एग्जामिनेशन करना है, लाइक आपने उसका फॉर एग्जाम्पल उसकी बेसिकली आपने एब्डोमेन की इंस्पेक्शन करनी है या पेल्पेशन करनी है, एक्सपोज करके करनी है, तो आप पहले उस फीमेल से परमिशन लें, उसको कवर करें प्रॉपरली। जिस एरिया पे आपने इंस्पेक्शन या पेल्पेशन करनी है जस्ट वो अनकवर होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये भी प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी तरह आपने जो बेसिक आपके पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोटोकॉल एक ये भी है कि आपके पास आपके सारे असेसमेंट टूल्स हों। आपने, मैंने आपको एक स्लाइड में सारे असेसमेंट टूल्स दिखाए भी थे। लाइक एटलीस्ट आपके पास आपकी स्टेथ, आपका ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट, आपके पास आपकी बाकी सारे आपकी स्मॉल टॉर्च, ठीक है, आपके पास एक मेडिकल का पैड, राइटिंग पैड, ठीक है, आपके पास आपकी बॉल पेन, और बाकी जो असेसमेंट टूल्स है ना जिसमें आपके पास टंग डिप्रेसर भी आ जाता है और भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, ये सारे आपके पास होने चाहिए, बिकॉज आप पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। तो आपके पास सारे और आपकी वॉच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ना आप पल्स रेट और जब ये काउंट कर रहे होते हो ना रिस्पायरेटरी रेट को, तो आपको टाइम की जरूरत होती है। आप देखती हो कि कितनी देर में पेशेंट की एक पल्स रेट कंप्लीट हुई है, आपके पास वॉच भी होनी चाहिए। ये सारा प्रोटोकॉल है, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें, ये सारी चीजें भी अगर आप दो तीन लाइंस में एक्सप्लेन कर दोगे ना और स्लाइड में ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दोगे तो वेल एंड गुड, उसमें स्किन मैनिफेस्टेशन नहीं आएंगी। स्किन मैनिफेस्टेशन बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक एग्जामिनर अगर आपसे दो चीजों में डिफरेंस पूछ ले कि मैक्यूल्स और पेप्यूल्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की स्किन लेजन है या वो किस तरह की स्किन लेजन है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा किसी की किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी बच्चों। मैम इससे रिलेटेड लेकिन ना प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम है वो पूछनी है। जी पूछें। मैम आपने कहा ना कि जूम पे रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड करनी है, तो मतलब मोबाइल पे तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उसके लिए लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। उसमें बच्चे ये है कि आप अपना फोन का भी अगर फ्रंट कैम ऑन करके कर लो ना, और साथ जिस तरह स्लाइड शेयर होती है, लाइक मैं जिस तरह स्लाइड शेयर करती हूँ, अगर मैं इस स्लाइड शेयर के साथ अपनी वीडियो भी यहाँ से ऑन करूँ तो मेरा मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक लेकिन आप में आपके जूम यूनिवर्सिटी की तरफ से है ना, उस पर मोबाइल पे भी अलाउ होता है रिकॉर्डिंग, लेकिन हमारे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती जूम की। नहीं, करना रिकॉर्डिंग इस सेंस में नहीं, रिकॉर्डिंग इस सेंस में नहीं। लाइक आपने क्या करना है कि आपने एक जूम की मीटिंग अरेंज करके, ठीक है, अपनी ही वो करनी है, सारी मीटिंग बनानी है पूरी ना, उसको क्रिएट करना है पहले, और उसके बाद आप लोगों ने मेरे से शेयर करनी है वो। इतनी ज्यादा मीटिंग अगर लाइसेंस भी ना हो ना, लाइसेंस्ड भी ना हो, तो उसमें आई थिंक सो के 15 टू 20 मिनट्स की तो बन जाती है, और मैंने तो सिर्फ 5 टू 6 मिनट्स की कहा है वीडियो। मैम रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती मोबाइल पर जूम की? मैम आपको तो हम रिकॉर्डिंग ही भेजेंगे ना, मुझे आपने वीडियो की रिकॉर्डिंग सेंड करनी है अपनी, जो आप लोग सारा बोल रहे होंगे उसमें आपकी पिक्चर भी होगी और आपका स्लाइड कंटेंट भी, इस तरह स्लाइड शेयर पीछे चल रही होगी। कर सकते हैं, अगर फोन से नहीं है तो फिर लैपटॉप से अरेंज करके ना, लैपटॉप से आप फिर कर लें अगर फोन से पॉसिबल। जी जी बच्चे, के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकती क्या मैम? जूम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकती कि हम सिंपल आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दें, उसमें स्लाइड्स ना हो, जो जो क्वेश्चन आपने पूछे उसके हम आंसर कर दें बोल कर? नहीं, जूम के अलावा नहीं मीटिंग उसके कोई वीडियो अब वीडियो एप्स तो काफी ज्यादा होंगी, लेकिन उसका ये आइडिया नहीं है, क्योंकि जूम अब एक ऐसा है जिसमें आप की बेसिकली आपकी वो भी वीडियो भी शेयर हो जाएगी और आपका बैक स्लाइड कॉन्टेंट भी शेयर होगा, लेकिन वो सारी स्लाइड्स जो है ना, यानी आप जिस तरह अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओगे 10 स्लाइड्स की, तो वो आपने मुझे अपनी स्लाइड भी शेयर करनी है और अपनी जूम की वीडियो भी शेयर करनी है, दोनों चीजें आप शेयर करोगे, ठीक है। मैं आपकी प्रेजेंटेशंस को भी देखूंगी जो आपने बनाई होंगी, और आपकी मैं वीडियो को भी चेक करूंगी जिसपे आप बोल रहे होंगे। बाकी आप लोग मैम चलें ठीक है, सब बाकी क्लास कोलीग से देख लो कि वो किस वीडियो एप्स के थ्रू बना रहे हैं, और लेकिन इसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से बनाओ, लेकिन उसमें आपकी वीडियो भी होनी चाहिए और आपने मेरे साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर करना है, ताकि मैं दोनों चीजों को असेस करके फिर आपकी 20% सेशनल असेसमेंट काउंट करूं। जी इसके अलावा प्रेजेंटेशन अगर होती तो ज्यादा इजी ना होता बच्चे? ग्रुप प्रेजेंटेशन इजी है, बट ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और मैंने ना ये जो लास्ट लेक्चर्स हमारे हैं ना अब इस मंथ के, उसमें मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्रीज को लिखने का लॉग बुक्स कैसे लिखनी है, क्योंकि आगे आपके मिड्स आ जाएंगे, ठीक है। मिड्स में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लोग लेक्चर्स तो हो नहीं गए, मिड्स में आपके पेपर्स हो रहे होंगे, तो आपके पास लॉग बुक को कैसे फिल करना है उसका टाइम नहीं होगा। तो ये लास्ट लेक्चर्स जो है ना, उसमें हम लॉग बुक में जो हिस्ट्री इवेल्युएशन परफॉर्म है ना, उसको फिल करने का फॉर्मेट एक चेक करेंगे। मैं आपके साथ हिस्ट्रीज शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग रोटेशन पे नहीं गए और आप लोगों को पेशेंट की कंडीशन का नहीं पता होगा, तो आप लोगों ने वो सारी चीजें फिल करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
अदरवाइज अगर ये ना करना होता और अगर हम हॉस्पिटल रोटेशन पे होते तो आप लोगों ने एवेल्युएशन परफॉर्मेंस खुद फिल करने थे, तब हमारे पास टाइम ये होना था कि हम कर सकते थे और वीडियो प्रेजेंटेशन हम ले सकते थे प्रेजेंटेशन क्लास में या कुछ इस तरह. अब हम क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पे है तो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें चीजों को ना एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई ग्रुप प्रेजेंटेशन इजी है बट ग्रुप प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं है. हम दोबारा से यही सारा चीजें जो पढ़ी है ना उनको हम प्रैक्टिकली देखें, लेकिन ये है कि आपकी एटलीस्ट आपकी चीजों पे कमांड तो होनी चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि अनिमिया क्या है, जॉन्डन्स का पेशेंट लाइक अगर आप ये तो ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना कि आपको चीजें पता होंगी, आपने सारी देख ली है, आपने पिक्चर्स देख ली है. व्हेन यू आर गोइंग टू द रिस्पेक्टिव वार्ड्स तो आप वहाँ पेशेंट्स देखोगे, आपको पहले से ही पता होगा कि अच्छा मैंने ये पेशेंट की हिस्ट्री इस तरह चेक करनी है या पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इस तरह करना है. वहां पे जाके आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज सारा होगा लेकिन आपने जस्ट प्रैक्टिकली पेशेंट पे परफॉर्म करना है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर रोटेशन स्टार्ट होती है. मैम इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह. चलें अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों. लास्ट टाइम हमने पल्स रेट बेसिकली देखा था और इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट. आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर. अब बच्चों जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, 120 इज बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, और 80 इज बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? मैम सिस्टोलिक अपर लिमिट होती है, डायस्टोलिक लोअर लिमिट होता है. मतलब सिस्टोलिक वो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेंट्रिकल, तो डायस्टोलिक जब वो रिलैक्स कर रहे हैं. जैसे 120 ओवर 80 है तो 120 सिस्टोलिक होगा और 80 डायस्टोलिक. ठीक है, गुड. और बेसिकली बच्चों हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है इट इज मोर देन 140/90. लाइक वो 140 मोर देन 140 अगर होगा और 90 की रेंज से भी अगर ज्यादा होगा, लाइक 92, 93, 94, देन द पेशेंट इज टर्म टू बी एज हाइपरटेंसिव पेशेंट. हाइपरटेंशन हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऐसे पेशेंट को. ठीक है, नॉर्मली पहले ये समझा जाता था कि जिसका 120 से ज्यादा हो तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लेकिन अब अमेरिकन गाइडलाइंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं. लाइक उन्होंने हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया मोर देन 140 रख दिया. उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली हमारे जो अब यंग जनरेशन है, जिस तरह 30-40 या हम 20-40 ले लें, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर 120 नहीं आता, मोर देन 120 ही आता है. या समटाइम्स 122, 124, 125 बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. लाइक हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई हुई है, हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल पे आ गए हुए हैं, हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी डाइट मॉडिफिकेशन हो गई हुई है. तो ये सारी जो रीजंस है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एंजाइटी और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना उसकी नॉर्मल रेंज से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा आने लग गया है. और ये मैं यंग हेल्दी लोगों की बात कर रही, ये हाइपरटेंसिव लोगों की बात नहीं है या ये ओल्ड एज पीपल की बात नहीं हो रही, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है. कि इसलिए हमने अब जो हाइपरटेंशन का अमेरिकन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है ना, इट इज मोर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और जो हाइपोटेंशन है, बेसिकली हाइपोटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर, इट इज उसका क्राइटेरिया क्या रखती है कि लेस देन 90/60. लाइक आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 60 होगा. नॉर्मली हाइपोटेंशन कब पेशेंट्स को होती है कि जब वो कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है, आपके जितने भी वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं ना वेंटिलेटर्स पे, वो हाइपोटेंसिव हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर आ ही नहीं रहा होता. और जब ब्लड प्रेशर 60 से, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 50 से ड्रॉप कर जाता है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है ना, विच इज ऑलमोस्ट 98%. आपको पता है कि जितने भी हमारे नॉर्मल पीपल हैं,
जो भी फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत ज्यादा सीवियरली इल भी हैं तो उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 98% होती है ना, उनको फिर भी कंसिडर किया जाता है कि ये ठीक है इस वक्त. लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी फॉल करना शुरू हो जाती है 98 से 92 पे भी आ जाती है, इवन 90 पे भी आ जाए, तो पेशेंट कोलैप्स की तरफ जा रहा होता है. तो ऑक्सीजन सेचुरेशन और हाइपोटेंशन का एक रिलेशनशिप है, वो आप लोग आगे मेडिसिन में भी डिटेल में इसको पढ़ोगे कि जो हाइपोटेंशन होती है ना जब, और डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि पेशेंट अब फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को देख रहे होते हैं. पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 50 से कम हो रहा है, 40 तक चला गया, इट मीन्स के जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना कम चला गया तो इट मीन्स के हार्ट तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, कार्डिक फेलियर की तरफ चला गया. ठीक है, तो ये हाइपोटेंशन की रेंज. और हाइपोटेंशन का मैंने ये बताया कि वो किन लोगों में होती है, वेंटिलेटेड पेशेंट्स के अंदर. नॉर्मली हाइपोटेंसिव पेशेंट्स नहीं होते, या बहुत स्पेयर अगर वो कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट, या आपके पेशेंट को कोई ऐसा कोमा स्टेट में पेशेंट चला गया है, लाइक उसको कोई ब्रेन इंजरी ऐसी हुई है कि पेशेंट कोमा में चला गया, तब भी वो हाइपोटेंसिव हो जाता है. तो हम कहते हैं कि उसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंजेस हैं ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव पेशेंट की ये रेंजेस हैं बेसिकली. अब बच्चों नीचे लिखा हुआ है कि नॉर्मल सिस्टोलिक इज लेस देन 120 एंड लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हम नॉर्मल कहेंगे. बट एट रिस्क, रिस्क पे कौन से लोग होते हैं? हाइपरटेंशन से पहले एक स्टेज आती है प्री हाइपरटेंशन. अब प्री हाइपरटेंशन में अगर तो हम पेशेंट्स को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कैसे कर लें कि थ्रू डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है, उनका सॉल्ट इनटेक कम करवा दें, पेशेंट को कहें कि वो एक्सरसाइज करे, अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो पेशेंट से कहें कि वो स्टॉप कर दे, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल उसका ज्यादा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करते. इन सारी चीजों को कंट्रोल करने से पेशेंट प्री हाइपरटेंशन से दोबारा नॉर्मल में आ सकता है. लाइक प्री हाइपरटेंशन में क्या होगा कि सिस्टोलिक इज 120 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक इज 80 टू 89, यानी इस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर आएगा. प्री हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं. प्री हाइपरटेंशन इसलिए कहा जाता है कि अभी हाइपरटेंसिव हुआ नहीं है बट वो उसकी तरफ जा रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं तो किन चीजों के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, या फिर पेशेंट को एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, और पेशेंट को एक हेल्दी लाइफ की तरफ दोबारा वापस लेके जा सकते हैं. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर बच्चों, जो हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया है वो मैंने जैसे पहले बताया कि सिस्टोलिक इज 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इससे ज्यादा, और डायस्टोलिक क्या होगा कि 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और हायर, इससे भी ज्यादा हो सकता है. ठीक है, अब बच्चों मैनुअल ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हम बेसिकली हेल्थ केयर में हम यूज करते हैं अपनी स्टेथ, ठीक है, और ब्लड प्रेशर कफ, इसको हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं बेसिकली. अब क्या होता है कि ये स्फिग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मैनुअली चेक करता है, और जो हमें साउंड सुनाई देती है ब्लड प्रेशर के लिए उनको हम क्रोटोकॉफ साउंड्स कहते हैं. ठीक है, अब बच्चों सिंपली उसने यहाँ मेथड ये बताया हुआ है कि अगर ये मैं पैराग्राफ समराइज करूँ स्टेथोस्कोप यूज एंड क्रोटोकॉफ साउंड्स को, तो उसने सिंपली इसमें ये बताया हुआ है कि आप स्टेथोस्कोप जो है ना उसको कहाँ प्लेस करोगे पेशेंट की आर्म पर. ठीक है, आपने उसकी साउंड सुननी है. अगेन वही मेथड है कि आप कफ को अप्लाई करते हो, पहले उसको फुल डीफ्लेट कर देते हो तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही. जैसे जैसे आप इन्फ्लेट कर रहे हो इट मीन्स कि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो. बच्चों जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो इट मीन्स कि आप कंप्रेस कर रहे हो किस चीज को, ब्रेकियल आर्टरी को. ब्रेकियल आर्टरी होती है ना उसी के लेवल पे हम चेक कर रहे होते हैं ना अपना आर्म में ब्लड प्रेशर. अब बच्चों इसके लिए अगर जैसे हमारे पास अभी हॉस्पिटल सेटिंग नहीं है, ठीक है, हमारे सामने पेशेंट बैठा होगा ना, तो हमने पेशेंट को कहना कि वो रिलैक्स हो जाए. पेशेंट को पहले रिलैक्स करना है ब्लड प्रेशर उसका चेक करने से पहले. लाइक पेशेंट को कहना है कि आप रिलैक्स कर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए पेशेंट. ठीक है, आर्म को आपने स्लाइटली उसका क्या करना है, फ्लेक्स करना है एट द एल्बो जॉइंट. फिर आपने उसको कफ उसका प्लेस कर देना है उसके आर्म के ऊपर. कफ लगाने के बाद आपने स्टेथ का हेड उसकी बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करना. ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने पहले चेक करना है
मीटर आपके हैंड में होगा या मीटर के लिए वो कफ के ऊपर ना एक छोटा सा स्पेस होती है जहां पे आप मीटर को हैंग कर सकते हैं, आपने मीटर को वहां पे हैंग कर देना है। अब आपने पहले चेक करना है कि मीटर की जो नीडल है वो जीरो पे है, ये तो नहीं है कि पहले किसी ने मेजर किया हुआ था और वो पहले ही 120 पे थी। आपने पहले क्या करना है, उसको जीरो पे लेकर आना है, फुल चेक करना है कि कफ डीफ्लेट है इस वक्त, उसमें कोई एयर ना हो, वरना आपकी रीडिंग ब्लड प्रेशर की ठीक नहीं आएगी, वो एरर उसमें देगा लाइट सा। फिर आपने उसको फुल डीफ्लेट कर दिया, अब आपने क्या करना है कि उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट करना है। जब बच्चों हम इन्फ्लेट करते हैं ना बेसिकली, तो हम ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस कर रहे होते हैं। जब आर्टरी फुल कंप्रेस हो जाती है ना, उसके अंदर ब्लड फुली कंप्रेस हो गया, अब बच्चों आपने क्या करना है कि आपने स्लाइटली उसको डीफ्लेट करना है नोब को, जो आपकी नोब होगी ना कफ के साथ अटैच होगी, उसको आपने लाइटली क्या करना है, अब डीफ्लेट करना शुरू करना है। जो फर्स्ट साउंड आपको सुनाई देती है ना, तब आपको जो आवाज आएगी उसके हम आगे उसके नेम्स हैं डिफरेंट, वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। ये जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन प्रेशर है ना, ये मैं इसी का बता रही हूँ कि हम कैसे मेजर करते हैं, जो मैंने अभी पूरा प्रोसीजर बताया कि हम क्या करेंगे कि जब हम स्लाइटली उसको इन्फ्लेट करें डीफ्लेट करें होंगे सॉरी, तो जब हम डीफ्लेट करेंगे ना, तो जो फर्स्ट साउंड हमें आएगी ना, वो बेसिकली मैक्सिमम इन्फ्लेशन प्रेशर की है, जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की साउंड आएगी बच्चों, तो आपको एक दब तक आवाज सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप फर्दर आपने वो रीडिंग नोट कर लेनी है मीटर से। लाइक फॉर एग्जांपल, आप पेशेंट का कर रहे थे और फर्स्ट साउंड आपको, जब आप डीफ्लेट स्लोली कर रहे थे तो आपको फर्स्ट साउंड उसकी आई 124 पे। अब आपने दोबारा से वही साउंड सुननी है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता साथ क्या करते जाना है, उसको डीफ्लेट, आप फर्दर डीफ्लेट कर रहे हो, पेशेंट की साउंड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी डिम हो गई है। अब जो फर्स्ट साउंड आई थी ना, वो थोड़ी आपको लाउड आएगी, क्योंकि अभी हमने बाद मैंने पूछा था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या डिफरेंस है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपको साउंड भी जो है ना वो थोड़ी लाउड आती है। बट जो डायस्टोलिक में जब वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है, सारा जो ब्लड है वो हार्ट में से निकल रहा है और आर्टरी फुल डायलेट कर रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टार्ट में हमने आर्टरी को फुल कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है, कंप्रेस करवा दिया पूरा, जब वो पूरी कंप्रेस हो गई है तो ब्लड उसके अंदर फुली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, ब्लड पे भी इतना ज्यादा प्रेशर है, आहिस्ता आहिस्ता हम जब डीफ्लेट करें तो वो प्रेशर रिलीज हो रहा है आर्टरी में से। अब एक टाइम आएगा जब आपको बहुत लाइट सी साउंड सुनाई देगी, सेकेंड साउंड जिसे हम कहते हैं, जो होगी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बच्चों रही, वो लाइक आपको आई है 80 पर या आपको आई है 82 पर, तो आपने वो रीडिंग नोट कर लेनी है और उसके बाद आपने सारा जो प्रेशर है ना कफ में से, उसको फुली डीफ्लेट करके जीरो पे नीडल को लेना है। तो ये सारा एक मेथड है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि हम कैसे हम उसको प्लेस करते हैं। ये बेसिकली आपका कफ अटैच है, ये उसका मीटर अटैच है और ये आपके पास स्टेथ का हेड है, ठीक है। ये हम ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करेंगे, ये उसने अपने हैंड में पंप रखा हुआ है और यहाँ से इस नोजल से वो इन्फ्लेट कर रहा है और डीफ्लेट उसको कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और आपने साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका फुली कंसर्न किस चीज पे होना चाहिए, आपके ईयर पीसेस पे, आपके ईयर पीसेस जो स्टेथ के होंगे ना वहां से साउंड आएंगी, आपने साउंड्स का ध्यान रखना है और आपने मीटर को चेक करना है कि मुझे फर्स्ट रीडिंग कहाँ पे मिली और सेकंड रीडिंग कहाँ पे मिली, वो दो रीडिंग्स आपको नोट करनी है, वही आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होगी, ठीक है। और जो आप सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक, यहाँ उन्होंने डेफिनेशन दी हुई कि द प्रेशर एट विच द फर्स्ट प्रोटोक ऑफ साउंड इज नोटेड सिग्निफाइज द सिस्टोलिक प्रेशर, वाइल द प्रेशर एट विच द प्रोटोक ऑफ साउंड आर नो लॉन्गर हर्ड, जहां पे वो कम होती हैं, लाइट आना शुरू हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल नहीं आती, वो हमारा बेसिकली डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो मेथड्स हैं बेसिकली फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, वो हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है ऑस्कल्टेटरी मेथड, कि हमने प्रॉपर क्या किया, ऑस्कल्टेशन के थ्रू किया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम स्टेथ को पेल्पेट्री मेथड के अंदर, अगर कोई एग्जामिनर ये पूछे आपसे या वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर के दो मेथड्स हैं, आप उनके नेम्स बताएं, तो आपने ये कहना कि पेल्पेट्री और ऑस्कल्टेटरी, देर आर टू मेथड्स फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर।
ऑस्कल्टेटरी मेथड मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है, जिसमें हम प्रॉपर ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं या जो डॉक्टर्स प्रॉपर यूज करती हैं, ठीक है। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ आपको प्रेशर कफ अटैच कर देते हैं और आपकी पल्स पे जो है ना अपनी दो फिंगर्स प्लेस कर लेते हैं रेडियल पल्स पे, वो बेसिकली आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काउंट कर रहे होते हैं बस। आपका पेल्पेट्री मेथड में कभी भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं आएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट करने का या इसको मेजर करने का बेसिक मेथड यह है पेल्पेट्री मेथड में कि आपने क्या करना है, सिंपल मेथड है, आपने फुली कफ को एम्प्टी कर लेना है एयर से, आपने फिर कफ को पेशेंट की अगेन वैसे ही जिस तरह आपने ऑस्कल्टेटरी मेथड में लगाया था ना उसको पेशेंट की आर्म के साथ फुल कवर कर देना है। अब आपने फील करनी है रेडियल पल्स, ठीक है, रेडियल पल्स आपको अभी आ रही है मतलब फील हो रही है। इन्फ्लेट द कफ, आपने कफ को इन्फ्लेट करना है फुल, लाइक आपने 120 से 140 तक प्रेशर तक ले जाना है मीटर में, आपने फुल इन्फ्लेट कर दिया ना, इतना इन्फ्लेट करना है कि अब आपको रेडियल पल्स अपनी फिंगर से फील नहीं हो रही, ठीक है। जब आपने फुली इन्फ्लेट कर दिया ना बच्चों, अब आपने क्या करना है कि अब आपने डीफ्लेट स्टार्ट करना है। पहले जब हमने इन्फ्लेट करना स्टार्ट किया था ना उस वक्त हमें रेडियल पल्स फील हो रही थी, हमने किस पॉइंट तक इन्फ्लेट किया जहां पे हमें रेडियल पल्स डिसअपियर हो गई। अब बच्चों दोबारा वही प्रोसेस आना है, जब आपने डीफ्लेशन स्टार्ट करनी है स्लोली आप डीफ्लेट कर रहे हो, अब आपने दोबारा नोट करना है कि आपको किस पॉइंट पे रेडियल पल्स दोबारा सुनाई दे रही है या उसकी आवाज आना शुरू हो गई, आपको फील हो रही है अपने फिंगर्स पे। बच्चों वो जो पॉइंट होगा ना जहां आपको फील हो रही है जिस मीटर की रीडिंग पर, वो बेसिकली आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। रेडियल पल्स की मैं बात कर रही हूँ कि रेडियल पल्स दोबारा से जिस पॉइंट पे अपियर हो जाती है ना, आपको फील होना शुरू हो जाती है, दैट इज योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बच्चों इस मेथड से कभी भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों मेथड्स में, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो? मोस्ट प्रेफरेबल मेथड ऑस्किलेटरी होगा ना? ऑस्किलेटरी है बिकॉज वो मेजर करता है दोनों ब्लड प्रेशर्स को, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यही मैं अभी पॉइंट आपसे क्लियर करने लगी थी कि समटाइम्स ना पेशेंट कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं वार्ड्स के अंदर कि उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना वो तो होता है 124, बट उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ना 96, 98 और 100 तक आता है। अब बच्चों ऐसा पेशेंट भी आपका हाइपरटेंसिव होता है, बट ऐसे पेशेंट को हम पता है क्या कहते हैं कि अभी अभी इसमें साइलेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, अभी इसमें सिम्टम स्टार्ट हुए हैं। सो दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर जब आपने मेजर करना है तो पेशेंट का सिस्टोलिक के साथ डायस्टोलिक की भी इक्वली सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टोलिक मेजर किया तो पेशेंट सिस्टोलिक में बहुत ज्यादा आ रहा है तो पेशेंट को तभी ही हाइपरटेंशन होगी, पेशेंट को डायस्टोलिक भी ज्यादा आ रहा है सिर्फ तो वो हाइपरटेंसिव होगा, वो उसका साइलेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपको ऑस्किलेटरी मेथड प्रेफरेबल मेथड है। तो अगर कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट मेथड है या किसमें एरर के चांसेस कम है, तो आपने यही कहना है, आंसर देना है कि ऑस्किलेटरी मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर बिकॉज इट मेजर्स बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ लेक्चर। बच्चों वर्ड की फाइल शो हो रही है सबको टंग की? यस मैम शो हो रही है। ठीक है बच्चों, बेसिकली हमने आज हमारे जो वाइटल साइंस हो गए ना वो कंप्लीट हो गए, ठीक है।
ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर था, पल्स रेट थी, रेस्पिरेटरी रेट था और टेम्परेचर था. वाइटल साइंस कंप्लीट हो गए हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, मेन मेन मैंने सारी चीजें करवा दी हैं, फिंगर्स की, हैंड्स की, पाम्स की मैनिफेस्टेशन. लास्ट टाइम हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को चेक किया था कि उसके 6 ग्रुप्स हैं और हमने राइट और लेफ्ट साइड को कैसे चेक करना है. ठीक है, इसके अलावा हमने हैंड्स की मैनिफेस्टेशन भी पढ़ ली थी, फेस की भी पढ़ ली थी, प्रोप्टोसिस और वो सारी चीजें, कलर ऑफ स्क्लेरा, लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग साइन, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था. अब बच्चों हमारी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, हमारा फीट ग्रोइन एरिया रहता है, थायराइड रहता है और टंग रहती थी. तो बेसिकली आज टंग पढ़ेंगे और इसके अलावा मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ना जो आपकी हिस्ट्री के बारे में था ना लॉग बुक में, वो आपको बताऊंगी कि उसको हमने कैसे करना है मैनेज. वो हम उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फीट ग्रोइन और थायराइड ग्लैंड होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम फर्दर जो हिस्ट्रीज की बात कर रहे थे ना वही हम डिस्कस किया करेंगे. अब बच्चों जो टंग है, जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टंग का करते हैं तो टंग के जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बच्चों हम उसका कलर चेक करते हैं. ठीक है, हम टेक्सचर चेक करते हैं और साइज देखते हैं. ठीक है, अब बच्चों इफ योर टंग इज ब्राइट रेड लाइक अ स्ट्रॉबेरी इट कुड सिग्नल, मतलब अगर जिस तरह ये पिक्चर में शोर है, जिस तरह इस बच्चे की टंग रेड रेडिश कलर की है, स्ट्रॉबेरी लाइक है, तो बच्चों ये क्या क्या रीजन हो सकती हैं कि टंग इस तरह की हो. नंबर वन है वाइटामिन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड और वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये अपेयरेंस आती है टंग की. ठीक है बच्चों, ये जो टंग की अपेयरेंस है ना रेडिश कलर की, ये बेसिकली आएगी वाइटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से. नेक्स्ट बच्चों जियोग्राफिक टंग, जियोग्राफिक टंग का मतलब ये कि आपकी टंग के ऊपर एक मैप सा बना होगा, लाइक ये इस तरह की टंग की अपेयरेंस होगी. ठीक है, और ये जो जियोग्राफिक टंग है ना, ये हमारे डिफरेंट जो म्यूकोजल अल्सर्स होते हैं ना जब माउथ में डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, म्यूकोजल अल्सर्स की बहुत सारी रीजंस हैं. आप कोई टीथ में इंफेक्शन हो जाता है, मोलर टीथ का इंफेक्शन हो जाता है, या फिर आपको कभी कभी जो आपके म्यूकोजा के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी हो जाती है. तो ये टंग की अपेयरेंस है जियोग्राफिक टंग की, जिसमें आपका मैप लाइक एक पैटर्न आपकी टंग पे शो होगा. इसके अलावा बच्चों जो स्कारलेट फीवर है ना, इन्फेक्शियस बेसिकली डिजीज है. स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि जो आपकी टंग है ना वो भी स्ट्रॉबेरी लाइक हो जाती है, रेड और बम्पी इन अपेयरेंस. उसमें ये होता है कि पहले आपके जो टॉन्सिल्स है ना वो थोड़े से उनकी स्वेलिंग होती है. ठीक है, टॉन्सिल्स के बाद क्या स्टेज आती है कि आपकी टंग वाइट कोट हो जाती है, बिल्कुल वाइटिश हो जाती है. उसके बाद स्टेज आती है जिसमें आपकी टंग स्ट्रॉबेरी लाइक हो जाती है, लाइक वो रेडिश हो जाती है, क्योंकि ये स्टेज वो थी जिसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई थी, दैट्स व्हाई इट इज वाइट. यहाँ पे पूरी टंग पे इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई कि ये रेडिएशन अपीयरेंस हो गई. ठीक है, उसके बाद जो कवास्की डिजीज है एक, ये बच्चों जो डिजीज है ना इसमें ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है आपका जो ये नॉर्मली बच्चों में होता है, और ये कुछ एरियाज के जो बच्चे होते हैं ना उनमें स्पेसिफिकली होता है, जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फूड इनटेक कम होता है या फिर वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा होती हैं बच्चों में, इन बॉर्न बच्चों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उनमें ये डिजीज होती है. तो उनमें भी टंग की कंडीशन इसी तरह रेडिश और स्ट्रॉबेरी लाइक होती है. ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर ड्राई टंग होगी, लाइक ड्राई टंग इज अ साइन ऑफ इस तरह की टंग की पेरेंट्स होगी, ड्राई बिल्कुल अंदर से ड्राई होगी, इट इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन भी हो सकती है. अगर बच्चों व्हाइट टंग है या व्हाइट स्पॉट्स आपकी टंग पे बने हैं तो कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ. अब ये टंग की जब आप टंग को इंस्पेक्शन करे होगे ना तो आपने पेशेंट की टंग को चेक करना है कि वो रेडिश है. अगर रेडिश होगी तो आपके जहन में 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे कि अच्छा रेडिश होने की ये रीजंस हमने पढ़ी थी. ठीक है, अगर उसकी टंग थोड़ी ड्राई होगी तो आपको पता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से है, या फिर हो सकता है कि पेशेंट को या उस पर्सन को स्लाइवा की प्रॉब्लम हो, यार उसके कोई ग्लैंड्स जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करे, ग्लैंड्स की कोई नर्व सप्लाई इंटरप्ट हो गई है उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है,
तो ग्लैंड्स की वजह से हो सकता है क्योंकि सेलिवेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो उसकी ड्राई टंग है, क्योंकि आपको पता है स्लाइवा ही माउथ को थोड़ा सा क्या रखता है, वॉटरी। तो अगर वो नहीं होगा, उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, तो आपकी ड्राई टंग हो जाएगी। इसी तरह जब आप किसी पेशेंट पे व्हाइट टंग या व्हाइट स्पॉट्स चेक करते हो तो कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ या तो ओरल थ्रश बन सकता है। ओरल थ्रश एक यीस्ट इन्फेक्शन है जो कि माउथ के अंदर डिवेलप हो जाती है। ये बच्चों इस तरह की पेरेंट्स होती है। अब पिक्चर ऐड करते हुए थोड़ा सा मुझे भी हो रहा था कि बड़ी अजीब सी और पिक्चर है, लेकिन ये नॉर्मली होता है और इन्फेंट्स में और एल्डरली पीपल में बहुत ज्यादा कॉमनली इसी है, क्योंकि दोनों जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब भी उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और जब बंदा बहुत ज्यादा एज गोइंग में चला जाता है तब भी उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो हो सकता है कि समटाइम्स लोगों में इसलिए भी हो जाते हैं कि जिन्होंने ब्रेसेस लगवाए होते हैं, या फिर ये कि मतलब ब्रेसेस का मतलब ये है ना कि आपके टीथ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी समटाइम्स इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों जो ल्यूकोप्लेकिया है ना, वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेल्स इनसाइड द बेसिकली माउथ में होता है, लेकिन इनसाइड द माउथ और बीनीथ द टंग बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ग्रोथ करती हैं। जब वो ग्रो कर रहे होते हैं ना, अब ल्यूकोप्लेकिया के पेशेंट को ना हम जब मतलब इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो इट मींस कि हमें उसकी टंग की नीचे वाली सरफेस को भी इंस्पेक्ट करना होता है। तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, वहां पे इस तरह के व्हाइट पैचेस बन जाते हैं और बहुत ड्राई सी लगती है नीचे से। ओरल लाइकन प्लैनस, इस तरह के बच्चों उसकी जो गम्स है ना उसकी टंग के अंदर, ऐसे व्हाइट लाइंस बन जाती हैं, लाइक जैसे ऐसे लगता है कोई लैस टाइप चीज है, कोई डिजाइन टाइप बना हुआ, इस तरह का अपीयरेंस आती है। बट इफ योर टंग इज सोर और बम्पी, यानी बहुत ज्यादा सोरनेस होगी। सोरनेस का मतलब क्या है कि थोड़ी सी स्वेलिंग होती है टंग के अंदर या माउथ में, जनरल स्वेलिंग है। आपको पेशेंट का माउथ थोड़ा स्वेलिंग दिखाई दे रहा है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं? ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, आपकी एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अक्सर होता है कि टंग बाइटिंग बहुत ज्यादा कॉमनली होती है, तो उसमें हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, सोरनेस हो सकती है, और जो लोग स्मोकर्स होते हैं ना उनकी जो टंग है उस पर भी इफेक्ट होता है, और उनकी जो एपिथीलियम है लाइनिंग, बेसिकली म्यूकोजल लाइनिंग, वो भी स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू अडेप्टेशन। मतलब वो बार बार इतनी वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं कि जो स्मोकिंग का एजेंट होता है ना, वही क्या करता है कि उनकी जो एपिथीलियम लाइनिंग है ना म्यूकोजल सेल्स की, उसको चेंज कर देता है, वो स्ट्रेटिफाइड हो जाती है। इसके अलावा बच्चों कैंकर स्कोर्स, माउथ अल्सर्स होते हैं, और ये कॉमनली आपने देखे होंगे इस तरह के। ये अक्सर मतलब लोगों में ना इस तरह के जो कैंकर अल्सर्स है ना, ये कैंसर नहीं है, ये कैंकर अल्सर्स हैं, ये डिवेलप हो जाते हैं। ये ड्यू टू मल्टीपल रीजंस की वजह से हो जाते हैं, लाइक आपको स्ट्रेस होता ना, इसको हम बोलते हैं ओरल अल्सर्स को ना नॉर्मली स्ट्रेस अल्सर्स भी कहा जाता है। कुछ लोगों में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं, समटाइम हम देखते होंगे कि जब एग्जाम्स का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, कुछ लोगों में इतना प्रॉब्लम आती है कि उनमें माउथ अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली उनको कैंकर सोर्स कहते हैं। या फिर समटाइम्स अगर आप बहुत ज्यादा सिट्रिक फ्रूट्स या जूसेस पी रहे हो, लेमन ऑरेंजेस के, तो उसकी वजह से भी बन जाते हैं। इस तरह की गम्स में पेरेंट्स होती है कैंकर सोर्स। तो फिर डॉक्टर्स डिफरेंट तरह की जेल्स और डिफरेंट तरह के आपको बेसिकली माउथ वॉशेस ये लिख के देते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिस्पेक्टिव एरिया है ना, उसमें जो भी इंफेक्शन हुआ था ना, वो ड्रेन हो जाता है। एंड देन बच्चों आ जाते हैं आपके पास ओरल अल्सर्स, ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर्स में क्या होता है कि एक लंप या सोर आपकी टंग पे डिवेलप हो जाता है। और ओरल कैंसर की इंडिकेशन क्या होती है कि अगर तो आपका कोई भी सोरनेस माउथ से मोर देन 2 वीक्स, अगर 2 वीक्स से पहले पहले वो डिसअपियर हो गई है, या अगर आपने ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर का और आपको पता चला कि वो खत्म हो चुकी है, तो इट मींस कि वो नॉर्मल थी, मतलब वो कोई और प्रॉब्लम थी, सोरनेस थी या जस्ट स्वेलिंग थी, तो वो सबसाइड होगी। बट अगर वो प्रोलॉन्ग करी है फॉर मोर देन 2 वीक्स, मतलब आपके 15 डेज से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, 1 मंथ होने वाला है, आप ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, सारा कुछ प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे थे डॉक्टर का, लेकिन फिर भी ये डिवेलप हो गया, तो इट मींस कि ये ओरल कैंसर है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करता था। और ओरल कैंसर्स के केस में ना, फिर हम फर्दर
जो इम्यूनिटी के ड्रग्स है ना वो भी ऐड करती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर. इस तरह के बच्चों टंग हो जाती है स्वेलिंग. और फिर हम ऑरल कैंसर में ना इस तरह पेशेंट की स्पेसिफिकली टंग को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके नीचे वाली सरफेस को चेक करते हैं. तो जो नीचे वाली सरफेस होती है ना वो उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी नहीं होती ओरल कैंसर्स में. उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्राउनिश और इस तरह की लुक आना शुरू हो जाती है और वो अपनी थोड़ी सी नीचे से हार्ड हो जाती है ओरल कैंसर. नॉर्मली टंग इस तरह की नहीं होती, उसके पेरेंट्स इस तरह के नहीं होते. सो बच्चों ये लेक्चर टंग का यहाँ पे फिनिश हो गया. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जो टंग वाइट हो जाती है आगे से पीछे की तरफ से जो वाइट हो जाती है वो कौन सी वाली टंग होती है? कौन सी स्टमक किसकी वजह से पूछ रहे हो आप? स्टमक वाइट स्टमक की वजह से, स्टमक प्रॉब्लम की वजह से? जी मैम. अच्छा, जो स्टमक की वजह से नॉर्मली जितने भी हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं ना उनमें जो आपकी टंग है ना वो इन्फेक्शियस ही होती है. तो उसमें या तो बहुत ज्यादा रेडिश हो सकती है क्योंकि जो वाइट पैचेस बनते हैं ना वो आपके किसी ना किसी ओरल रिलेटेड कंडीशंस की वजह से बनते हैं. लाइक आपको टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक इश्यू की वजह से रेडिश ही होगी टंग आपकी वो. ओके जी बच्चों यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आप हमारे अलावा कोई सेक्शन को पढ़ा रही हैं? हाँ मैं SCP-4 को पढ़ा रही हूँ. मैम हमें लग रहा है कि आपने टेम्परेचर वाला नहीं बताया अभी. टेम्परेचर वाला नहीं बताया? यस मैम. यस मैम नहीं बताया. अच्छा टेम्परेचर रहता है आप लोगों का भी? यस मैम. चले हम टेम्परेचर पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ना आप लोगों की जो स्लाइड्स थी ना वो मैंने असल में लेक्चर्स इन्हीं को वर्ड्स पे डिजाइन किया था खुद उसको कॉपी पेस्ट करके. तो हो सकता है मेरे से स्किप हो गया हो तो आप लोगों ने अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवा दिया. हम ऐसा करते हैं कि इसी का जो लेक्चर है ना टेम्परेचर का मैं ओपन कर लेती हूँ वही पढ़ लेते हैं. जी स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर. ये आपकी लॉग बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. ठीक है अच्छा जो टेम्परेचर है उसमें नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है इट इज अबाउट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है और बेसिकली जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा लो होता है और ड्यूरिंग डे इंक्रीज हो जाता है. और उन्होंने कहा है कि लेट आफ्टरनून या इवनिंग टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा ही नोट किया जाता है. अब फीवर कब होता है? फीवर इज कंसिडर टू बी अ टेम्परेचर ऑफ 100 फॉरेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड. 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल था, 38 पे या उससे अबव चला जाए तो हम उसको फीवर कंसिडर करते हैं. ठीक है अब बच्चों उन्होंने कहा है कि अगर आपका टेम्परेचर 102 फॉरेनहाइट या 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा चला जाए तो फिर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से असेसमेंट करवानी पड़ती है. हाउ टू यूज अ डिजिटल थर्मामीटर? बच्चों हम जो डिजिटल थर्मामीटर है ना उसको बेसिकली यूज का मतलब ये है कि हम हाउ मेनी बॉडी साइट्स पे हम बेसिकली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. लाइक हम ओरल चेक कर सकते हैं. ओरल में हमें पता है कि हम थर्मामीटर को अंडर द टंग प्लेस करते हैं और वो उन्होंने कहा है कि दिस मेथड इज प्रॉपरली यूज्ड फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. यानी 4 इयर्स से अबव चिल्ड्रन के लिए ना ये सेफ मेथड है ओरली थर्मामीटर्स को यहाँ पे ओरली चेक करना टेम्परेचर को. थर्मामीटर यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं सेफली एक तो अडल्ट में और एक मोर देन 4 इयर्स के चिल्ड्रन में. जो रेक्टल है ना बेसिकली
वहां पे हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं इनटू द रेक्टम, और ये नॉर्मली बच्चों में किया जाता है, बेबीज में अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, ताकि यहाँ पे रेक्टल एरिया इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि बेबीज में ये सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होती है, और यहाँ पे जो बेबीज की जो रेक्टल एरियाज होते हैं ना वहां पे टेम्परेचर असेसमेंट भी सबसे सेफ भी होती है और वहां पे करेक्ट भी होती है, उसमें वेरिएशन नहीं आती, और ये सिर्फ बेबीज की कंडीशन में करते हैं। इसके अलावा हम कहाँ पे असेस करते हैं, जो रेक्टल एरिया पे बेबीज में हमने किया, ऑरल में हमने अडल्ट्स और चिल्ड्रन मोर देन 4 इयर्स। जो एक्सिलरी मेथड है ना उसमें हम आर्म पिट में थर्मामीटर बेसिकली प्लेस करते हैं, और बच्चों जो आर्म पिट में आपको बुक शेयर हो रही है बच्चों? नो मैम। अच्छा मैं दोबारा इसको शेयर करती हूँ। तो जो बच्चों एक्सिलरी मेथड है ना वो उसमें हम आर्म पिट पे बेसिकली थर्मामीटर प्लेस करते हैं, और आर्म पिट पे हम बच्चों का भी हम नॉर्मली ये मेथड यूज कर लेते हैं, और उन अडल्ट्स का करते हैं जो जो सेफली अपना टेम्परेचर मैयर नहीं करवा सकते, उनका भी हम मैयर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई अगर पेशेंट है एपिलेप्सी का या फिर वो एबनॉर्मल पेशेंट है के, तो उसमें भी हम माउथ के अंदर ओरली नहीं चेक कर सकते, रेक्टली नहीं चेक कर सकते, तो वहां पे हम ऐसे पेशेंट्स के लिए एक्सिलरी मेथड यूज करते हैं। और हाँ, आईसीयू जो बाउंडेड पेशेंट्स होते हैं ना या बेड रिडन पेशेंट्स, उनमें भी हम एक्सिलरी मेथड यूज करते हैं। आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं क्लास में ना ये जो पॉइंट्स है ना डिस्कस करती हूँ। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीयू बाउंडेड पेशेंट्स में विच मेथड ऑफ मेथड इज बेसिकली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आपने कहना है कि एक्सिलरी मेथड सेफ मेथड होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेबीज के लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव है, तो आपने कहना है कि रेक्टल मेथड है, और ओरल मेथड सेफ अडल्ट के लिए और उन चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज मोर देन 4 या 5 ईयर्स, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है उसका उन्होंने मेथड बेसिकली बताया। डिजिटल ओरल थर्मामीटर के लिए उन्होंने कहा कि आपने अपने वॉश करनी है हैंड्स विद सोप एंड वार्म वाटर, आपने क्लीन थर्मामीटर लेना है, और यहाँ पे बेसिकली लिखा कि आपने उसको क्लीन करना है विद अल्कोहल के साथ, और फिर उसको अल्कोहल को आपने रिमूव भी करना है। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि अगर आपने ओरल चेक कर रहे हैं तो आपने डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले आपने कुछ खाना और पीना नहीं है जब आपने टेम्परेचर लेना, ताकि एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग आए। फिर आपने थर्मामीटर की टिप को अंडर द टंग प्लेस कर देना है, और वो अगेन आपने वहां पे 40 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना है। 40 सेकंड्स के बाद आपने दोबारा से थर्मामीटर को ड्रॉ बैक करवाना है और आपने रीडिंग को नोट करना है। इसी तरह आपने जब रीडिंग को नोट कर लिया तो आप दोबारा कंफर्मेशन के लिए सेकेंड टाइम दोबारा एक रीडिंग और ले, ठीक है। आप एवरेज भी इसका निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपने जब थर्मामीटर को यूज करना है दोबारा किसी और पेशेंट पे, तो आप इसी टाइम जो है ना उसको दोबारा वॉश कर लें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम किसी पे यूज करें तो वो प्रॉपरली क्लीन हो। उसके बाद अगर आपने एक्सिलरी यूज करना है बच्चों, तो उसके लिए क्या है कि सिंपल मेथड है कि बच्चे की उन्होंने तो कहा शर्ट रिमूव करें, लेकिन हम वैसे भी कर लेते हैं, तो आपने उसको आर्मपिट पे प्लेस करना है। आर्मपिट पे प्लेस करने के बाद जो बच्चा है या फिर वो जो आपका पेशेंट है उसके आर्म को आपने उसकी चेस्ट के साथ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने 30 सेकंड्स के बाद रीडिंग ले लेनी है और उसको रिकॉर्ड करना है, और अगेन आपने वॉश करके रखना है। इसी तरह आपने बेसिकली आपने रेक्टल मेथड में भी यूज करना है, रेक्टम में प्लेस करना है, और आपने रीडिंग ले लेनी है। अब बच्चों जो फीवर की टाइप्स हैं या उसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका कॉन्टिन्यूस फीवर, ठीक है। एक है कॉन्टिन्यूस, वन इज इंटरमिटेंट, एंड अदर इज रेमिटेंट फीवर। बच्चों ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फीवर हैं जिसमें जो हम यूज करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस बनाने। लाइक समटाइम्स हम पेशेंट के फीवर के पैटर्न्स से ही असेस कर लेते हैं कि पेशेंट को ये डिजीज है। लाइक जो आपके पास टीबी का पेशेंट होगा ना, उसको हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स होता है। ये उसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि उसको हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स का मतलब है
और स्पेसिफिकली किस टाइम पे, इवनिंग टाइम पे होता, उसको सारा दिन टेम्परेचर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी उसको हाई ग्रेड फीवर स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा कि उसको चिल्स और राइगर्स उसको साथ साथ ना मतलब वो ट्रैम्बलिंग करेगा, और वो स्पेसिफिकली इवनिंग टाइम. तो इट मीन्स कि टेम्परेचर की क्वालिटी और उसकी टाइप भी समटाइम्स डिटरमिन कर देती है कि पेशेंट इज हैविंग सर्टन डायग्नोसिस या पेशेंट को ये सर्टन प्रॉब्लम. जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूस फीवर क्या होता है, कि जब टेम्परेचर नॉर्मल अगर आपका रहे थ्रू आउट द डे और वो फ्लक्चुएट नहीं करता मोर देन 1 degree centigrade इन 24 hours, तो बेसिकली क्या होता है कि उस किन कंडीशंस में ये टेम्परेचर वेरिएशन, लाइक आपका टेम्परेचर नॉर्मल तो रहता है थ्रू आउट द डे, नॉर्मल है लेकिन फ्लक्चुएट नहीं करा, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेकिन फीवर है अभी भी. किस तरह का फीवर हम इसको कह सकते हैं, लाइक टाइफाइड के अंदर आपको फीवर रहता है लेकिन वो फीवर कितना होता है, नॉर्मली हमारा कितना होता है 37, तो वो 38 होगा और वो 38 ही रहेगा, 38 से ज्यादा नहीं होगा, यानी वो कॉन्टिन्यूस 24 hours में वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ऊपर नीचे उसकी डिग्रीज नहीं आ रही, वो एक जैसा ही है. बच्चों ये लोबार नमूनिया, ये नमूनिया की एक टाइप है जिसमें आपके जो लोबुलर सेगमेंट्स है ना, आपके लंग्स के जो सेगमेंट्स होते हैं पल्मोनरी सेगमेंट्स, उस कंडीशन में हो सकता है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए. टाइफाइड मेनिंजाइटिस, बेसिकली मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन में. यूटीआईस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी ऐसा फीवर आता है. और बच्चों टाइफस, इस कंडीशन में भी हो सकता है. ये सारी कंडीशन है इसमें कॉन्टिन्यूस फीवर रहता. अब जो इंटरमिटेंट फीवर है उसकी क्या क्वालिटी है, कि व्हेन द टेम्परेचर एलिवेशन इज प्रेजेंट ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड, लेटर साइक्लिंग बैक टू नॉर्मल. लाइक आपका एक स्पेसिफिक टाइम के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मॉर्निंग में टेम्परेचर नहीं था पेशेंट को, लेकिन आपने जब उसका आफ्टरनून में चेक किया तो पेशेंट का टेम्परेचर आया ऑलमोस्ट 101 फॉरेनहाइट, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इवनिंग में उसका चेक किया तो उसका टेम्परेचर हो गया नॉर्मल. मीन्स कि वो एक स्पेसिफिक टाइम था डे का जब उसका बहुत ज्यादा हुआ. ये किन कंडीशन में होता है, मलेरिया में. लेशमेनासिस एक कंडीशन है, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. पाइमा या सेप्सिस, ये पाइमा और सेप्सिस ना स्पेसिफिकली लंग की कंडीशन है जिसमें एक में पस होती है और एक में इन्फेक्शन होता है लंग टिश्यूज के अंदर, ठीक है. बच्चों जो रेमिटेंट फीवर है ना उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द डे, लेकिन हमने कॉन्टिन्यूस में तो ये पढ़ा था ना कि वो फ्लक्चुएट नहीं करता, यानी अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 98 आ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड तो वो 98 ही रहता है फुल डे. लेकिन रेमिटेंट फीवर में क्या होगा कि वो फ्लक्चुएट करेगा, लाइक अगर आपने उसका मॉर्निंग में चेक किया था उसका 98 आया, जैसे ही आपने उसका आफ्टरनून में चेक किया तो उसका 100 हो गया, जैसे ही आपने इवनिंग में चेक किया तो वो 101 हो गया. मीन्स के नॉर्मल से तो अबव है लेकिन क्या है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे उसकी रीडिंग्स आ रही हैं. तो बच्चों ये किन कंडीशन में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और ब्रूसिलोसिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कार्डिक कंडीशन है जिसमें आपके जो हार्ट वॉल्स है ना उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन कंडीशन में जो फीवर आता है ना वो बेसिकली रेमिटेंट आता है, ठीक है. अब बच्चों जो इंटरमिटेंट फीवर है ना उसकी आगे से 3 टाइप्स हैं, क्वार्टिटन फीवर, टर्शियन फीवर और क्वार्टन फीवर, ठीक है. बच्चों जो क्वार्टिटन फीवर है ना उसमें क्या होता है कि विद आ 24 hour पीरियोडिसिटी. 24 hour पीरियोडिसिटी का ये मतलब है कि आपका जो फीवर है ना वो आपको 24 hours एक ही पैटर्न में सेम रहेगा, लाइक मलेरिया. मलेरिया में जो फीवर होता है ना वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है. लेकिन जो टर्शियन फीवर है ना उसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट 48 hours की पीरियोडिसिटी होगी. 48 hours के लिए अगर आपको टेम्परेचर आपका आ रहा है ना तो वो उतनी देर के लिए रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा. ये लेट स्टेजेस ऑफ मलेरिया में होता है, और वो भी मलेरिया किन एजेंट से, फुलसीपैरम से, वाइवेक्स से और ओवेल से. ये बेसिकली आगे बैक्टेरिया की टाइप्स हैं. अगर इन बैक्टेरिया से आपको मलेरिया होता है तो टर्शियन फीवर है. ऊपर वाला जो क्वार्टिडियन जो फीवर है ना वो प्लाज्मोडियम अगर बैक्टेरिया आपको मलेरिया कर रहा है तो उसकी वजह से होता है, ठीक है. जो क्वार्टन फीवर है ना बच्चों, क्वार्टन फीवर में क्या होता है कि 72 hours पीरियोडिसिटी रहती है, यानी 72 hours के लिए आपको फीवर का अटैक रहता है, और वो किस मलेरिया
अगर आपके पास प्लाज्मोडियम मिलेरी ये बैक्टीरिया स्पर सके, अगर उसकी वजह से मलेरिया हो रहा है तो तब आपके पास 72 आवर्स का टाइम होगा। लाइक आपको फीवर ही आपको मलेरिया की डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि अगर इतना पीरियड है तो ये वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, अगर इतना पीरियड है तो ये वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और पेशेंट को ये वाला फीवर है। और इसके लिए ये होता है कि नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को ये होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इल होते हैं तो डॉक्टर्स बार बार उनका टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही, अगर वेरिएशन आ रही है इट मीन्स कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है। और अगर एक वेरिएशन पेशेंट में नहीं आ रही, उसमें एक पीरियोडिसिटी मतलब एक इन्वॉल्व है, कॉन्स्टेंट है, तो इट मीन्स कि उसको कोई और प्रॉब्लम, तो आपका फीवर बहुत सी चीजों को डिटरमिन करता है। सो बच्चों ये टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हम लोगों ने आई थिंक सो पढ़ लिया था। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम आगे समझ ठीक है। अच्छा बच्चों ये बेसिकली आपके पास, आप लोग ऐसा करें कि अपनी जो लॉग बुक्स आप लोगों ने उसके प्रिंट आउट ले लिए है ना, तो जो उसका सबसे फर्स्ट वाला पेज है ना ये वाला, ये फिल कर लें सारे, ठीक है। यहाँ अपना स्टूडेंट नेम, आईडी नंबर, सेशन, सेमेस्टर, प्रोग्राम, अपना क्रेडिट आर और अपना क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के नाम। मैम सेशन में क्या लिखेंगे? आपका जो सेशन है मैं बता दूं। अपना आपका सेशन कौन सा है, आपको सेशन जो अलॉट किया गया है? बैच कह रही है मैम। हाँ जी आपका बैच स्प्रिंग 2021। जैसे बच्चों 16-20 होता है किसी का बैच, 15-19 मैम फॉल 18 है हम लोगों का। हाँ फॉल 18 तो आपका ये बैच होगा, ये सेशन होगा। सेमेस्टर आपका कौन सा है वो मेंशन आपने करना है, ठीक है। आपने अपना प्रोग्राम मेंशन करना है, बेसिकली डीपीटी है या जो भी प्रोग्राम है। बेसिकली इसके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 3 हैं आई थिंक सो के। इसकी क्रेडिट आवर्स की आपको डिटेल मिली होगी, इसकी क्रेडिट आवर्स 3 होते हैं और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है उसमें मेरा नाम आ जाता है, जो आपको टीचर SCP का कोर्स पढ़ा रहा है उसका नेम आता है, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद बच्चों ये जो स्पेसेस दी हुई है ना, ये जहाँ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स हैं, अगर इनके सामने एक एक दो दो मतलब वर्ड्स में चीजें ऐड करनी है तो कर दो। लाइक इसमें अगर टाइप्स ऑफ एडिमा के नीचे पिटिंग और नॉन पिटिंग के 2-3 पॉइंट्स यहाँ बना दो, यहाँ 2-3 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, नेड्यूल्स, वेसिक्यू, इनके आगे एक एक पॉइंट, पूरी पूरी डेफिनेशन बेशक ना मेंशन करो, पॉइंट्स में मेंशन कर दो, ठीक है। ये जो मेरी स्लाइड्स हैं उधर से मेंशन कर दो। उसके बाद जो डे 3 में ये टेम्पलेट है, अब ये टेम्पलेट में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट आपको फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है। अब जनरल फिजिकल अपेयरेंस में भी ये सारा फॉर्मेट है, आप लोगों को ये सारा पढ़ने के लिए दिया है, इसमें भी कुछ मेंशन नहीं करना। मैम डे 3 और डे 4 में कुछ फिल नहीं करना? नहीं कुछ फिल नहीं करना। ये बेसिकली आपकी सारी ना वो मेथड्स हैं जो बुक साइट्स उन्होंने कहा कि आपने रेफर करके पढ़ना। इंडेक्स को फिल करेंगे हम, ठीक है, जब हम अपने इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस लेंगे उसको फिल करेंगे। ये मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्म है, इसको हम थोड़ा सा मैं आप स्टार्ट में आपको बता देती हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्लास का टाइम भी अब होने वाला है। बच्चों नेम ऑफ पेशेंट, उसकी एज, उसका सेक्स मेल है या फीमेल है, पेशेंट नंबर, अब पेशेंट नंबर क्योंकि हम वार्ड्स में नहीं गए तो हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे कि 2 था 3 था या 4 था, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख लें। डिपार्टमेंट, ठीक है, आप पेशेंट को किस डिपार्टमेंट से आपने बेसिकली उसको असेस किया, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में आप लिख सकते हैं कि कोई भी वार्ड, जैसे जनरल मेल वार्ड, मेल पेशेंट है तो जनरल मेल वार्ड, अगर फीमेल है तो जनरल फीमेल वार्ड, हॉस्पिटल का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों आप डेट लिखोगे, डेट भी आप अज्यूम डेट लिखोगे, नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर भी आप अज्यूम ही लिखोगे, किसी भी डॉक्टर का नाम। उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बच्चों जो होती है ना, अब पेशेंट आपके पास आया है, फॉर एग्जाम्पल हमने आपके SCP-2 के अंदर अनीमिया पढ़ा है, और अनीमिया में पेशेंट को यही होता है ना कि पेशेंट को थोड़ी ब्रेथलेसनेस फील हो रही होती है और वो कहते हैं कि मुझे
सांस मेरा बहुत ज्यादा फूलता है जब मैं काम करता हूँ, या जब मैं स्टेयर्स अप एंड डाउन आऊँ, या मैं थोड़ा सा भी कोई काम कर लूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे फिटीग हो जाती है. पेशेंट इज हैविंग अनिमिया. तो बच्चों उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होगी? आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को सिर्फ एक वर्ड में लिखना होता है कि ब्रेथलेसनेस, ठीक है, और साथ हम मेंशन करेंगे कि पेशेंट को फिटीग. ये उसकी प्रेजेंटिंग. बच्चों प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का मतलब होता है कि पेशेंट आपके पास जिस कंप्लेंट के साथ आया है उसके आगे और पीछे की हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में कभी भी नहीं आती. ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है. और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर सिर्फ आप क्या लिखते हो? वर्ड लिखते हो, लाइन की फॉर्म में नहीं लिखते हो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कि ही इज हैविंग दैट दैट प्रॉब्लम. नहीं, आपने जस्ट ये लिखना है, आपका पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम थी ब्रेथलेसनेस. आपने लिखना ब्रेथलेसनेस, आगे मेंशन कर देना है कि उसको फिटीग थी, बस. ये उसकी प्रेजेंटिंग. कोई पेशेंट आपके पास आया कि वो कहते हैं कि मुझे एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन है, या मुझे एपिगेस्ट्रियम में पेन है, तो आपने जस्ट क्या लिखना है? पेन इन एपिगेस्ट्रियम. आगे ये जरूर मेंशन करना है कि कब से है. लाइक आपको पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे ब्रेथलेसनेस 4 वीक से है या 2 वीक से, आपने मेंशन आगे कर देना है. छोटी सी लाइन यहाँ लगानी है और आगे आपने लिख देना है 2 वीक्स, बस. ये बच्चों आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है. उसके बाद जो बच्चों हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है ना, इसमें बेसिकली हम लाइन की फॉर्म में लिखते हैं कि माई पेशेंट. हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ. इस लाइन का मतलब ये है कि मेरा पेशेंट, जब मैं हिस्ट्री ले रही हूँ, मेरा पेशेंट अभी ठीक स्टेट में है, तभी तो वो मुझे हिस्ट्री बता रहा है. इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ का मतलब ये होता है कि पेशेंट इज कम्युनिकेटिंग नॉर्मली विद द डॉक्टर. अब पेशेंट आपके साथ नॉर्मली कम्युनिकेट करे, आपको हिस्ट्री बता रहा है, तो उसके यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ है. आपने एक लाइन ये जरूर मैंशन करनी है जब आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को मैंशन करना है कि माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है. उसके बाद आपने बताना है ऊपर वाली बात को कि उसको, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेथलेसनेस थी, तो आपने कहना है कि ही इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेथलेसनेस फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स. ही इज ऑल्सो हैविंग फटीग कंप्लेंट. 2 लाइन्स होगी, उसकी दोनों कंप्लेंट्स को आपने बताना. अब बच्चों आपने क्या लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल उसको ब्रेथलेसनेस थी, तो आपने पेशेंट से पूछना होता है कि उसको ब्रेथलेसनेस किस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है और किस टाइम पे कम होती है. लाइक ये बिल्कुल इस तरह होता है कि एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स के, जैसे हम पेन में पूछते हैं कि आपको कौन सा ऐसा मतलब काम है जिसमें आपको पेन बहुत ज्यादा होती है, और कौन सा ऐसे काम है जिसमें आपको पेन रिलीव हो जाती है. तो आपने ये 2 चीजें लाजमी पूछनी होती है. लाइक पेशेंट कह रहा है कि मुझे जो सांस चढ़ता है ना वो ज्यादा काम करते हुए, या मैं जब सीढ़ियाँ उतरता चढ़ता हूँ तो मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील होती है, जब मैं बैठ के काम करता हूँ तो मुझे नहीं फील होती. तो आपने एक लाइन में लिख देना है कि द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग मोर ब्रेथलेसनेस ऑन स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, और पेशेंट इज रिलीव्ड ऑन रेस्ट. तो ये 3-4 लाइन्स में ना आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को कंप्लीट कर दिया. बेसिकली बताने का यहाँ पे पॉइंट ये मकसद था कि आपकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उसमें जस्ट वर्ड्स आते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री बताते हो ना तो आपने पहले बताना है कि मेरा पेशेंट, माय पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ. फिर आपने बताना है कि मेरे पेशेंट को ये मसला था इतने वीक से. फिर आपने ये बताना है कि उसके एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या थे. बच्चों 3-4 लाइन्स यहाँ बन जाती हैं आराम से, लेकिन जस्ट हिस्ट्री में आप लिखते हो, बताते हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप नहीं बताते, डिटेल्स लाइंस नहीं लिखते, जस्ट वर्ड्स मेंशन करते हो और आगे छोटा सा लिख देते हो कि इतनी देर से पेशेंट को ये मसला था, लाइक 4 वीक्स था, 5 मंथ्स था, 2 मंथ्स था, तो आगे आपने ड्यूरेशन लिख देनी. लाइंस की फॉर्म में कभी ऐड नहीं करना. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम लाइंस की फॉर्म में बच्चों ऐड करते हैं, ठीक है. उसके बाद पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री आ गई है. फॉर एग्जाम्पल आपका पेशेंट था, अब आप ये भी एज्यूम ही हम लेंगे, लाइक आपका पेशेंट था, आप उसको कर दो कि ठीक है वो डायबिटिक था, यस, हाइपरटेंसिव नहीं था, एस्थमा भी नहीं था, ड्रग हिस्ट्री भी उसकी नॉर्मल थी, नो में आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है. वो HbA1c, ठीक है, उसको नहीं था, नो. टीबी नहीं था, माइग्रेन नहीं थी, एलर्जी नहीं थी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं था, स्मोकिंग करता था, ठीक है कर दो, यस कर दो. ये सारा एज्यूम हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स नहीं है. एपिलेप्टिक नहीं था,
नॉर्मल था मेरा पेशेंट, ठीक है। गायनेकोलॉजिकल अगर मेल है तो यहाँ तो वैसे ही आ जाएगा ना कि उसकी जो हिस्ट्री है ना वो सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की तो कंप्लेन्स ही कुछ और है, ठीक है, गायनेकोलॉजिकल पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है या मेल्स में कोई और इश्यू नहीं है, मेल्स में भी अगर कोई इश्यू हो तो उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस लिख देना है कि नॉट सिग्निफिकेंट, ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बात ही आउट ऑफ डोमेन है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि नॉट सिग्निफिकेंट। लाइक ऑपरेशनल हिस्ट्री, आपका पेशेंट कहते हैं कि हाँ मेरी सर्जरी हुई भी है, ठीक है, लाइक मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हुआ है, ये एज्यूम है, तो एज्यूम में आपने ये लिख देना है कि ऑपरेशनल हिस्ट्री में कि उसकी ना अगर गॉल ब्लैडर उसका रिमूव हो रहा है तो पॉलीसिस्टेक्टमी हुई हुई है, नो अदर सर्जिकल प्रोसीजर, इस तरह आपने एक लाइन में लिख देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट ने कभी नहीं करवाई, वो कहता है मैंने कभी नहीं करवाई, तो आप इसको नॉट सिग्निफिकेंट में लिखना, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अदर्स में आपने लिख देना है कि कोई और मसला नहीं था तो नॉट सिग्निफिकेंट, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, बच्चों नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमने इसलिए उसको कर दिया। कि पेशेंट से आपने पूछा कि उसने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया, उसने कहा नहीं, तो ठीक है आगे आपने लिख दिया, निल नहीं लिखना, आपने मेंशन करना है नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस परफॉर्मा में। मैम अगर ऑपरेशनल हिस्ट्री भी ना हो उस पेशेंट की, फिर हम क्या लिखेंगे? ठीक है, उसमें भी आप लिख दो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर आपने नहीं मेंशन करनी तो आप लिख दो नॉट सिग्निफिकेंट। नॉर्मली गायनेकोलॉजिकल में हम नॉट सिग्निफिकेंट ही लिखते हैं, ये मैं वही बता रही हूँ कि ये तो आप जब वार्ड्स में जाते हो ना तो समटाइम्स होता है कि आप कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्रीज ले रहे होते हो या आप कुछ पेशेंट की फाइल अगर पढ़ लो तो उसमें होता है कि कुछ पेशेंट ने ऑपरेशन करवाया होता है, ऑपरेट हिस्ट्री होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि ऑपरेट हिस्ट्री अगर हो तो आपने लिखनी है, बट अगर जब हम एज्यूम कर रहे हैं ना तो बेशक आप नॉट सिग्निफिकेंट लिख लो। अब ये नहीं है कि आपने हर चीज को नॉट सिग्निफिकेंट कर देना है, किसी एक आधी पास्ट हिस्ट्री को ना, डायबिटीज को या किसी एक को आप यस नहीं कर देना, बाकी सबको बेशक नो कर देना। मैम ये HTN क्या है? क्या है HTN? ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर है फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, आपको लग रहा है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है तो हाइपरटेंशन को आप उसको टिक कर दो, उसमें आप डायबिटीज को ना करो, बाकी सारी चीजों को ना करो, आप उसको हाइपरटेंसिव कर दो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एज्यूम हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स नहीं है, बाकी हम जो फॉर्मेट है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम हमने परफॉर्मा कौन कौन से फिल करने हैं? बच्चे ये वाला परफॉर्मा जो मैंने आपको बताया ना अभी स्टार्ट से, अब अपना नेम वाला सारा फिल करो, उसके बाद जो डेफिनेशन लिखी हुई उनमें कुछ पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद जो मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्मा है ना उसको आपने फिल करना है प्रॉपरली, ठीक है, और उसमें पेशेंट का नेम, एज, सारा कुछ, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये सारा कुछ आपने फिल करना है। मैम खुद ही से अज्यूम करके पेशेंट हम करें? खुद ही से अज्यूम करके कर सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है, देखे ना पेशेंट का नेम भी खुद ही से अज्यूम करेंगे, एज भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इन द फॉर्म ऑफ एक हिस्ट्री बनानी है उसकी, कि अब वो आपके डायग्नोसिस को सेटिस्फाई कर रहा हो। लाइक अगर पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस था, गैस्ट्रिक इशू था ना, तो उसको एपिगैस्ट्रियम पेन थी, इसका मतलब है आपने थोड़ा अपने डायग्नोसिस को जहन में रखना है। अगर मैंने जिस तरह कहा ना कि मेरा डायग्नोसिस मेरे जहन में पहले था कि अनिमिक था पेशेंट, तो मैंने कहा कि उसको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, उसकी जो फटीग हो सकती है, एग्जर्शन हो सकती है, तो आपने दो तीन सिम्टम्स अपने डायग्नोसिस से रिलेटेड उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखने हैं, क्योंकि हम आइडियलाइज कर रहे हैं ना, इसलिए अगर हम आइडियलाइज ना कर रहे हो, हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्रीज हो, तो तब तक हमें प्रॉपर हिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता। समझ आ रही है बात? यस मैम, मतलब 5 केसेस हमने खुद ही से करके लिखते हैं। जी आपने खुद से लिखने हैं, लेकिन अभी जो है ना ये वाले परफॉर्मर्स अभी फिल करना ना स्टार्ट करें इसका, जस्ट अभी मैं पूरा फॉर्मेट जब बता दूंगी ना तो उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। मैम एक और चीज है जी, मैम जो लॉग बुक सबमिट वाली, हम सर हारिस से बात कर लेते हैं जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के हेड है ना इस SAP के, मैम जब अब
कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टलाइट्स हैं, ज्यादा हॉस्टलाइट्स हैं, उन्होंने 5 जुलाई को मिड डे नहीं आना है, तो हम तब भी सबमिट करवा दें अगर 5 जुलाई तक हमारी मिड तब है ना, तब हम ऑन कैंपस आएंगे। वो मैं आपको कल तक सर से कंफर्म करके ना आपको मेल कर दूंगी ऑफिशियल ना मैम, और सर से कहें कि अगर ये पॉसिबल है कि हम परफॉर्मेंस तब फिल करें जब हमारी रोटेशन हो। मैम इस तरह क्या फायदा कि हम खुद ही से ज्यूम करें, देखने में करने में बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स के हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, फिर मैं आपको कल कंफर्म करके ना सर से एक दफा डिस्कस करके आप लोगों के साथ मेल के थ्रू शेयर कर दूंगी मैसेज। मैम हम भी उन्हें मेल करेंगे ना, मैम हमें मेल आई हुई थी कि भाई मतलब हमारी क्लिनिकल रोटेशंस वगैरह होंगी। आप लोग मेल अभी ना करें, मैं उनसे डायरेक्ट एक दफा बात कर लूं, फिर उसके बाद हम लोग ना उसको अगर मेल के थ्रू ना मैं उनसे एक दफा कल उनसे कोऑर्डिनेट दोबारा कर लूंगी, ये सारे आपके कंसर्न्स उनके साथ शेयर कर दूंगी, और उसके बाद जो है ना फिर अगर आपको कोई इशू आया तो बेशक आप उनसे मेल कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो है ना उनको मेल ना करें। मैं उनसे कोऑर्डिनेट एक दफा कर लूं और उनसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद जैसे वो कहेंगे ना मैं आपको उनका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी। जी मैम, अगर के रोटेशन के बगैर ही फिल करें तो हम खुद ही उसमें से सर्च करके लिख लें, मतलब आप ज्यादा केस देंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा ना, हमें पता लगेगा अच्छा इस पेशेंट को ये भी होता है, हम कितना सोच सकते हैं मैम, हमने जब कभी कोई पेशेंट ही नहीं देखा। ठीक है, वो मैं कर लूंगा, जैसे मैंने एक अनीमिया का केस आप लोगों के साथ शेयर किया ना कि उसमें ब्रेथलेसनेस और ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इसी तरह मैं एक या दो केसेस और शेयर बच्चों, इसीलिए मैंने जो लास्ट क्लासेस है ना वो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने उसको मैंने सिलेबस आपका सारा कम्प्लीट करवाया है कि लास्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा इवेल्युएशन परफॉर्मेंस आपने फिल करने और इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे लॉग बुक्स के, 35 इसके परसेंटेज है, तो मैं बेसिकली बीइंग एन इंस्ट्रक्टर ये चाहती हूँ कि आपके इसमें एटलीस्ट 90-90 मार्क्स सिक्योर सबके ये लॉग बुक्स में से, तो ये लॉग बुक्स आपकी अच्छी वाली, आप लोग सारे ना इसके प्रिंट आउट्स निकलवा के इसकी बाइंडिंग सारे करवा लो ताकि जब हम फिल करना शुरू करें तो हमें टाइम ना ज्यादा लगे, क्योंकि आपने देखा कि ये सारी चीजें जस्ट 5 मिनट्स की हैं कि परफॉर्मा फिल करने और आपको बस पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है। मैम ये जो आपने मैं भेजा है ये एससीपी का बुक, इसमें सिर्फ एक ही परफॉर्म है ना, इसमें बाकी कुछ क्या भेजा मैंने, ये जो आपने बुक लॉग बुक भेजी है ना उसके एंड पे परफॉर्मा है, सिर्फ एक ही है। हाँ जी, लेकिन ये इसी आपने जो वर्ड पे है ना इनको दोबारा कॉपी करके ना, यानी या फिर आप जब प्रिंट आउट्स निकलवाओगे ना तो इसके इसी परफॉर्मा के 4 और प्रिंट्स निकलवा लीजिएगा, इसकी 4 टाइम फोटो कॉपीज करा लीजिएगा और इसको प्रिंट आउट करके अपने लॉग बुक में पीछे आपने अटैच करना है, यानी टोटल आपके 5 होने चाहिए। बेसिकली उन्होंने फॉर्मेट तो एक का ही शेयर किया हुआ है लेकिन उस फॉर्मेट के आपने 4 अदर प्रिंट्स और निकलवाने हैं, तो टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, खरीद सकते हैं क्या ये लॉग बुक्स बच्चों? लॉग बुक का जब एक यूनिवर्सिटी वाले भी प्रिंट ही निकाल के देते हैं, प्रिंट ही उसका करके देते हैं, क्योंकि आप जब उनसे फाइल शेयर करते हो तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, तो आप बेशक यूनिवर्सिटी से निकलवा लो, बाहर कहीं से निकलवा लो, इट्स अप टू यू, जैसे आप लोगों को इजी हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जिस तरह आपने अभी परफॉर्मेंस का बताया है, एसीबी 1 में हम लोगों को ना मैम ने 5 हिस्ट्रीज दे दी थी पेशेंट्स की, 5 डिफरेंट पेशेंट्स थे, उसमें डिफरेंट उनकी कंडीशंस थी, जिस तरह आपने बताया कि प्रेजेंटिंग एलएस है या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं या उसका बीपी इतना था, सारा कुछ उन्होंने दे दिया था और उन्होंने कहा था इसके हिसाब से फिल कर लें। अभी आपने देखना है कि ये चीजें किस किस में मैं ये आपके साथ ना ये जो फॉर्मेट है ना वो मैं आपको बताया ना ये क्लासेस के अंदर आपसे शेयर कर दूंगी प्रॉपरली ना, लेकिन एक दफा सारी ये परफॉर्मा आप लोग बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना परफॉर्मा पे, कि आपसे एग्जाम में आप फिल तो कर लोगे, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपसे वाइवा में कोई एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछ लेगा कि आपने कैसे इसको फिल किया, तो आपको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि मैंने इस तरह इसको किया है, बेशक वो केस हिस्ट्रीज मैं आपको दूं। जी मैम, ठीक है मैम, और ये काइंडली बता दें कि डे 10 में क्या फिल करना है, फिल करना है या नहीं? मेथड ऑफ एप्लीकेशन में काफी ज्यादा स्पेस दी हुई है तो वहां पर समझ नहीं आ रही कि फिल करना है या नहीं करना। एक मिनट, यस मैम, यही मैम ऊपर ही है। बच्चे डे 10 का कौन सा है आपका मेडिकल वैल्यूएशन परफॉर्मा?
मैम एक्सिला है, एक्सिला लिम्फ नोड्स। यही था मैम नीचे वाला आपका डे 9 मेंशन होगा। इसके ऊपर मेंशन करने की कुछ जरूरत नहीं है ठीक है, लेकिन इस पे अगर आप एक या दो पॉइंट्स लिख दो आगे बुलेट्स की फॉर्म में ना तो इनफ है। आप लोग एक दो दो पॉइंट्स इस पे मेंशन कर दो एक्सिला पे। और ये लेकिन ये मैंने बेसिकली अभी लेक्चर पढ़ाना था ना, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अब पर आपको पूरा इसके बारे में बता दूं। एक्सिला का तो मैंने पढ़ा दिया, वेन नेक वेन्स का और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का मैंने बताना है और इनके ग्रुप्स का ठीक है। बाकी मेथड्स तो आपने वेबसाइट से सारे पढ़ने हैं। हाँ, और बेडसाइड टेक्निक्स की बुक किन किन बच्चों ने ले ली है? मैम हमारे पास पीडीएफ में है, मैं पिछली एसएपी 1 के अंदर मैम ने सेंड की। पीडीएफ में बुक नहीं, आप लोगों ने इस बुक को परचेज करना है। जी मैम ठीक है जी। इसको बुक को परचेज किन किन बच्चों ने किया? जी स्टूडेंट्स वाइवा के लिए जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो बुक्स परचेज कर लें, इसको पीडीएफ से नहीं पढ़ना, इसे बुक की फॉर्म में हर बच्चे के पास अपनी एक जो बेडसाइड टेक्निक्स की बुक है ना वो लाजमी होनी चाहिए। जब आप लोगों ने ऑन कैंपस आना है तो मैंने ये सबसे सबकी बुक्स चेक की है, सबके पास बुक्स, क्योंकि जब हमने हॉस्पिटल रोटेशन पे बच्चों जाना होता है ना तो तब सबके पास अपनी अपनी बेडसाइड टेक्निक्स की बुक होनी चाहिए, बल्कि आपके पास अभी होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी बुक से ही पढ़ना है। ये मैं बार बार क्लास में इसलिए बात कर रही हूँ कि वाइवा में सर स्पेसिफिकली ये बात पूछते हैं कि बेडसाइड टेक्निक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो बच्चे कहते हैं कि हमने पीडीएफ से पढ़ा था, तो सर वहां पे मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो पीडीएफ से क्यों पढ़ा था, बुक्स क्यों नहीं परचेज की? तो इसकी एटलीस्ट आपने बुक्स सब बच्चों ने ना लेनी है। अच्छा, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी नोट किया था और उससे लास्ट टाइम भी, कि वो जो मीटिंग है ना वो लीव कर देते हैं और फिर अचानक जब लेक्चर का टाइम ऑफ करने वाला होता है तो वो दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करते हैं और उनके माइक ऑन हो जाते हैं ठीक है। और मेरे पास ना जूम की जो सारी रिपोर्ट्स बनती है ना उसमें आपकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लीव और इन टाइम सारा कुछ आ जाता है। तो मैंने स्टूडेंट्स को नोट भी किया है कुछ के नेम्स को। बच्चों आप लोग ना काइंडली ये मत करें, स्टार्ट से ही अगर मीटिंग ज्वाइन की है तो पूरा लेक्चर प्रॉपरली लें। किसी का इंटरनेट इशू अगर हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपरली लेक्चर, क्योंकि आप लोगों की फिजिकल अभी रोटेशंस नहीं है तो जो नॉलेज आपको इस लेक्चर से मिल रहा है ना एटलीस्ट आप लोग वो तो लो ना स्टार्ट से लेकर एंड तक। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक एप्रिसिएशन भी है मेरी तरफ से, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेशन में प्रॉपरली मतलब आंसर्स भी करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उन लोगों के लिए एक वेल एप्रिसिएशन है। और बेसिकली बीइंग एन इंस्ट्रक्टर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को अपनी लेक्चर के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा वो बेनिफिट हो ठीक है, कि सिर्फ हम पढ़ते हैं और पढ़ना एक मकसद नहीं होना चाहिए, हम हर क्लास से कुछ ना कुछ गेन करके जाएं एटलीस्ट। कि हम जो किसी अगर ऑनलाइन जूम मीटिंग में भी है तो हम ऑनलाइन जूम मीटिंग में भी उस मीटिंग को ऐसे अटेंड करें जैसे हम इन अ क्लास रूम अटेंड करते हैं क्लास के फॉर्म में ठीक है। क्योंकि किसी भी मीटिंग के या किसी भी एक गैदरिंग के कुछ पर्पज, कुछ एक स्पेसिफिक पर्पज होता है ना, तो यहाँ पे हमारा लर्निंग और नॉलेज बेसिकली आपको डिनर का पर्पस है। तो उसके साथ साथ एक टीचर का ये भी काम है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताए कि हाँ आप लोग ये काम यहाँ पे हो रहा है और ये गलत हो रहा है, उसको आप लोगों ने ठीक करना है ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ये मीटिंग को लीव करना और ये चीज़ें ना हो, मैं सबकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, किसी की अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये स्टूडेंट्स ना हो। जो लोग बाद में मीटिंग ज्वाइन करते हैं उनका भी पता चल जाता है, और जो लोग थ्रू आउट द लेक्चर ऑलमोस्ट जितने होल मिनट्स होता है 92 मिनट्स हो 120 मिनट्स हो पूरी क्लास लेते हैं उनका भी पता चल जाता है कि तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। तो सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आपका लेक्चर है या जो भी मीटिंग है जिस किसी भी क्लास की है वो आप लोग कोशिश किया करो कि वो पूरी मीटिंग हो,
ठीक है बाकी किसी वो फिर अब हमारे मिड्स के बाद होंगे किसकी इसका वाइवा यस मैम एससीपी का वाइवा नहीं इसके वाइवा आपका मिड्स में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली मिड्स में होगा चांसेस हैं इसके होने के इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी तरफ हमारी स्टार्ट हो रहे हैं और हम लास्ट टू थ्री क्लासेस में ना ऐसे करेंगे कि हम लोग ना लास्ट टू थ्री क्लासेस में हम एक दफा चीजों को थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी उससे ये होगा कि आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी आप लोग कुछ पढ़ के आओगे तो आप लोगों का एटलीस्ट कुछ नॉलेज मिलेगा ताकि मेरा फुल ये फोकस है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो आपसे कोई भी कोई टीचर भी कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि ये इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हों चीजें और आई थिंक सो कि मैंने ऐसा पढ़ाया है कि इन रिटर्न ऐसा रिजल्ट अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए एक एक चीज मैंने वीडियो असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है किसकी टाइमिंग्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन की लास्ट डेट क्या है सबमिशन की बच्चे मैंने आपको उस पे शेयर की हुई है आई थिंक 26 जून कही भी है लास्ट डेट ठीक है मैम थैंक यू बच्चे आपकी आवाज थोड़ी इंटरप्ट कर रही है मैम वो शायद कह रही है कि एसपी का वाइवा डिले नहीं हो सकता शायद ये कह रही मैम एसपी का वाइवा बच्चों डिले आपका नहीं हो सकता अगर वो फैकल्टी ने डिसाइडेड है कि वो जुलाई में होगा तो वो जुलाई में ही होगा और फिर सबका ही एसपी जो सारे एसपी के कोर्सेज है ना लाइक 1 2 3 4 फिर सबका वाइवा एक साथ होगा उसका भी फॉर्मेट आपके साथ होगा केवल ये कर दें कि जब हम यूनिवर्सिटी आए मिड्स के लिए तो तब हमारी लॉग बुक ले लें आप बाय फेस ऑफिस के अंदर ठीक है बच्चों ये मैं आपके साथ ना कल तक डॉक्टर हारिस से बात करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जब हम मिड्स के लिए ऑन कैंपस आए तो हम तब सबमिट करवाते हैं फिजिकली बाय हैंड आकर तो मैं उसकी लिस्ट बना लूंगी किन किन स्टूडेंट्स ने मुझे सबमिट करवाई हैं तो ये जो बात है ना ये मैं आपके जो है ना बेसिकली डॉक्टर हारिस इंचार्ज उनसे एक दफा कंफर्म करके ना क्योंकि एससीपी को वही डील करते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स है वही हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपने कैसे स्टूडेंट्स को कंडक्ट करवाना है तो उनसे मैं एक दफा आपको मेल पे कर दूंगी रिप्लाई मैम 15 से तो क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो रही है ना तो हमारी भी इस सेमेस्टर की होगी कि हमारी इस सेमेस्टर की भी स्किप है बच्चे ये भी जो फैकल्टी है ना उसकी तरफ से तो यही था कि आपकी होंगी रोटेशंस ठीक है और इसी सेमेस्टर की होंगी हो सकता है कि स्किप ना हो तो मैम अगर हो रही है तो परफॉर्मेंस तभी फील हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं ना ऐसे कैसे हम परफॉर्मेंस बच्चे वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बात है ये मैं डॉक्टर हारिस से आप लोगों को एक दफा कंफर्म करके फिर बताऊंगी कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरिंग हॉस्पिटल रोटेशंस पे तो जाना है 15 से तो हम परफॉर्मेंस तब फील कर लें अगर तो वो अलाउ करते हैं कि तब फील करने हैं तो तब ठीक है और अगर डॉक्टर हारिस ने ये कहा कि नहीं अब अज्यूम हिस्ट्रीज पे ही रिलाई करेंगे और हम जब हॉस्पिटल में जाएंगे तब का उसके उसका फॉर्मेट बाद में शेयर किया जाएगा तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा फिर हम ये करेंगे कि मैं ही आपको केस हिस्ट्रीज डिजाइन कर दूंगी उसमें आप लोग फिल कर लोगे और कुछ चेंजेस कर लोगे ओके मैम थैंक यू ओके बच्चों मैम जी मैम आप एक दफा प्लीज प्रेजेंटेशन का बता दें कि सब बच्चों ने मतलब एक बच्चे ने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं या जी एक उनमें से चूज करना है सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और हर बच्चा अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट प्रेजेंटेशन बनाएगा ठीक है उसकी पीपीटीज भी सेपरेट होंगी वो मुझे सेंड करेगा मेरी ईमेल पर ठीक है मेरी जीमेल पे मुझे सेंड करेगा और अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन भी मुझे सेंड करेगा हर स्टूडेंट इंडिविजुअली बनाएगा ठीक है थैंक यू बाकी ये कि आप चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो ठीक है पॉइंट्स डिस्कशन कर सकते हो कि हमने कैसे क्या पॉइंट किस स्लाइड में कैसे एंटर करना है वो आप लोगों पे है लेकिन आप लोगों की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सबकी सेपरेट होंगी आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन सेपरेट होंगी और हर बच्चा सेपरेटली मुझे मेरी जीमेल आईडी पे वो सेंड करेगा ठीक है बच्चों यस मैम ओके मैम
ठीक है बच्चों, तो हम आज का लेक्चर यहाँ पे अपना एंड करते हैं। तो बाकी जो आपकी क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर हारिस से सारी डिस्कस करनी है लॉगबुक के रिस्पेक्ट से जो बातें हैं वो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगी उसका सारा फॉर्मेट, ठीक है। और आपके साथ उस पर फिर हमारी एक नेक्स्ट क्लास जो ट्यूजडे को होगी ना उसमें फिर हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपकी क्वेरीज या वो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, मैम ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।